Lenin Raghuvanshi. He is a human and Dalit rights activist and is founding member of People Vigilance Committee on Human Rights. A well-awarded social reformer, Leninji will speak on the issue of democratic reforms and human rights. Welcome, sir. हम लोग दो तीन चीज़ें बातचीत करने से पहले बेसिक फाउंडेशंस के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ नहाते हैं, हम अपने नाखून काटते हैं, हमने अपने दाढ़ी बनाते हैं, अपने बाल बनाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, हम अपने घर साफ करते हैं। इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो है कि हम आलोचनाएँ करते हैं, सफाई करते हैं, पर सफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे अपने घर का सब सामान उखाड़ करके फेंक दें। गेहूं से गेहूं की फसल लगी है और वहां से घास निकालने की जगह गेहूं निकाल के फेंक दें। तो हमें ये समझने की जरूरत है, समालोचनाएं बहुत जरूरी है। एक तो महत्वपूर्ण है, जब हम अपने को समझने और संवरने के लिए शीशा देखते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। परंतु समालोचना का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप जो है अपनी रहने वाली समस्त परंपराएं और समस्त संस्कृति और समस्त चीजों को खत्म करें। तो जब मैं मानव अधिकार की बात करूंगा, क्योंकि मानव अधिकार की नई जो अवधारणा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, जो हिटलर ने पैदा की, और हिटलर के पैदा करने के बाद जो दुनिया में युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ बना और वहां पे मानव अधिकार बने। पर उससे पहले ही हिटलर की आत्मा हिंदुस्तान को भी बहुत परेशान कर रखी है। हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा ने यहाँ भी बहुत परेशान कर रखा है। जब मैं जर्मनी गया कम से कम 50 बार, आप हिटलर का नाम दे लीजिए, आप समझ लीजिए आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे, आप जेल जा सकते हैं, आप तुरंत गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि हिटलर ने बर्बाद कर दिया जर्मनी। परंतु उससे पहले हमारी परंपरा में बहुत अच्छी चीज थी, जो बात उन्होंने कही, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हमारे गणराज बना करते थे, गण बना करते थे, गणों में लोग जो है चुने जाते थे। हमारी अगर उससे पहले अगर आप वेद में जाने की कोशिश करें, ऋषि मुनियों ने जो लिखना शुरू किया, और उसमें अगर आप पुरुष सूक्त में देखेंगे, पिरामिड की बात हो रही है जिसकी आलोचनाएं दलित आंदोलन के लोग मानव अधिकार के दृष्टिकोण पे करते हैं, परंतु उसी वेद के अंदर लोकायत जो है ब्राह्मण पैदा होता है, जो कहता है कि लोग मतलब सब लोग, आयत माने सब बराबर, सांख भी था, वैशेषिक भी था, न्याय भी थी, ये पूरी परंपरा। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुरानी एक परंपरा है। मैं अब परंपराओं का विरोध कर रहा हूं, जैसे अब संस्कृति होती है, हम वो अब परंपराएं अपने म्यूजियम में रख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। इससे हम अपने नाखून काटते हैं, अपने पुराने कपड़े हटा देते हैं, हम नहाते हैं। परंतु हमारी हर परंपरा खराब नहीं, हमें उसे भी बहुत देखने की जरूरत है। सब कुछ खारिज कर देने का मतलब भी बहुत खतरनाक होता है। तो अगर, और क्योंकि सब कुछ जब खारिज कर देते हैं और आप पढ़ते लिखते नहीं है, तो कोई भी बंदा आया एक दर्शन लेके, कहा यही जो है सनातन है, यही हिंदू है, और पता चला कि ये पूरी परंपरा हिटलर और मुसोलिनी की है, इसमें न काशी है, न सनातन है, न वेद है, न उपनिषद है, तो हमको समझ में नहीं आता। और हम अपना कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स चल रही है, छुट जाते हैं, और लोकतंत्र के लिए मानव अधिकार में वो एक बड़ा खतरा है। तो मानव अधिकार की लड़ाई में ये समझने की जरूरत है कि ब्राह्मणों ने जो है एक तरफ जो है बनाया हमारा ब्राह्मणवाद पुरुष, और दूसरी तरफ उसके खिलाफ भी लोग डरे, और ये दोनों लड़ाई ब्राह्मण ने शुरू। मैं कुछ कुछ फाउंडेशन करके मैं आखिरी में मानव अधिकार पे लाऊंगा। तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आप ऋग्वेद में जब जाएंगे तो ऋग्वेद हम पढ़ते नहीं है, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमको गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने का मौका मिला, बेहद
पहले साल शास्त्री पास करना जरूरी था, संस्कृत का फेल हो गया। जो है तो हमको लगा कि गजब है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग। तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते गुरुकुल कांगड़ी में ये किताबें पढ़ने का मौका मिला। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि कहीं भी ये जो आपके पुरुष सूक्त के अलावा कहीं भी शूद्र रुद्र ये सब नहीं आता है, ऋषियों के बेटे हैं, इसलिए सबके गोत्र ऋषियों से है। और वो बेटे जो है कोई जो है मतलब पैदा करने का काम करता था, कोई जो है राज चलाता था, कोई जो है चीजें, धीरे धीरे राजा बढ़ने लगे। और राजा जब बढ़ते बढ़ते, इसलिए अगर आप यजुर्वेद में आएंगे राष्ट्र की परिभाषा समझ, ये पता नहीं कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यजुर्वेद की राष्ट्र की परिभाषा में यजुर्वेद लिखता है अलग अलग मतों के लोग जिन व्यवस्था के साथ रहते हैं उसको राष्ट्र कहते हैं। यजुर्वेद समझ रहे, सामवेद जो है अपने संगीत के बारे में, चीजों के बारे में बातचीत करता है, हम देवी देवताओं और अपने प्रकृति की स्तुति करते हैं। अगर छांदोग उपनिषद से पहले सनातन के अंदर पुनर्जन्म नहीं, छांदोग उपनिषद पूरा पुनर्जन्मों की के बारे में संघर्ष, क्या संघर्ष है, राजा जो थे जिस जात में मैं पैदा हुआ क्षत्रियों में, वो लोग जो है राज करते करते जो है बेईमान हो गए क्योंकि सफाई नहीं किए जैसे जो है, और सफाई नहीं किए जब बेईमान हुए तो उन्होंने कहा पुरोहितों से कि आप लिखो कि हम अगले जन्म में महान आदमी थे, इस जन्म में राजा हो। इसके खिलाफ पुरोहित ब्राह्मणों के खिलाफ मीमांसावादी ब्राह्मणों ने भयंकर संघर्ष किया, भयंकर संघर्ष किया पूरे छांदोग उपनिषद में। और छांदोग उपनिषद से पहले पुनर्जन्म की कोई घटना नहीं। जब बहुत आगे तो बुद्ध पैदा होते हैं, कबीर रैदास, कबीर और रैदास बनारस में पैदा होते हैं, सेंधाई बनारस में पैदा होते हैं। ये बनारस है क्या चीज, ये कौन सी सभ्यता है, वह कौन सा लोकतंत्र, क्योंकि वहां शास्त्रार्थ होता था, दयानंद सरस्वती का शास्त्रार्थ, राहुल सांस्कृतायन का शास्त्रार्थ हुआ। आज तो हिटलर की आत्मा शास्त्रार्थ नहीं करने दे रहे, शास्त्रार्थ से डर गई, शास्त्रार्थ से भयभीत है जो है। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की एक बड़ी परंपरा हमारे अपने संस्कृति में थी, और इसीलिए सूफिज्म हिंदुस्तान में पैदा हुआ। सूफिज्म जो है आगे पैदा, सूफिज्म जो सूफिज्म है, जो इस्लाम और हिंदू धर्म का चीजें हुई, वो आप देखें हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जाए, मैं इस बार बसंत पंचमी में गया, कहा हजरत निजामुद्दीन औलिया में बसंत पंचमी मन रही है, हम दिल्ली में थे, चले चलते हैं बसंत पंचमी मनाने, भाई हमारा भी त्यौहार है, हमारी भी व्यक्तिगत आजादी है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता में व्यक्तिगत तो आप धर्म मना सकते हैं जो है ठीक। तो वहां जब मैं गया तो पता चला एक बड़ी चीज कि आज से 600 साल पहले जब जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहन के बेटे मर गए थे, बहुत दुखी थे, अमीर खुसरो साहब जो है बाहर आए तो काली जी के यहाँ तुम जा रहे थे, पीला पीला पहन के कालिका मंदिर पहुंचे, क्या आप ये क्या कर रहे हैं, कहा मैं जो हूँ यहाँ पे माँ को खुश कर रहा। वो भी आए पीला पीला पहने, अच्छी कविताएं लिखते थे, अच्छे नज्म लिखते थे, एक नज्म लिखा और मृगंध बजा करके उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, और हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब हंस दिए। और तब से लेके आज तक 600 सालों से जो है उस हजरत निजामुद्दीन औलिया में बसंत पंचमी मनाई जाती है, उस दिन कुछ भी हरा नहीं दिखता, सब पीला दिखता। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा, ये हमारे सनातन की ताकत है, वो सनातन के लोकतंत्र की ताकत है, हमारे बहुलतावाद की ताकत है। इसलिए काशी को गालिब ने हिंदुस्तान का काबा कहा, जब वहां पे एक ईरानियन जो है कभी आए और उनको जब उनके शाह ने बुलाया तो उन्होंने कभी लौट के नहीं गए, कहा हर हिंदू यहाँ पे और हर ब्राह्मण राम लक्ष्मण की औलाद लगता है, ये इबादत की जगह है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँ ना उनकी मजाक। बनारस ने संगीत की धरती थी, संगीत की धरती ने जो है जैज के साथ शहनाई ले आए, बिस्मिल्ला खान को जो है भारत रत्न दिलवाया जो है, ये हमारा बहुलतावाद था, हमारा समावेशी होना था। वहाँ शाक्त थे, शाक्त में आप जानते होंगे योगी जी आजकल नाथ परंपरा के हैं, नाथ परंपरा में गुरु गोरखनाथ ने कहा हिंदू कहे देवरा, मुस्लिम कहे मजीद, परम योगी कहे परम धाम, न देवरा न मजीद। और आज अष्टमी है, आज योगी जी भी मनाएंगे, हम भी दीक्षित शाक्त कौन है, तो उसमें क्या कैसे काली जी की पूजा होती है, चक्र पूजा जो है वो बहुत बताने की जरूरत नहीं, वो वैष्णवों से बहुत अलग, वैष्णवों से बहुत अलग, पूरा मांसाहार और कारण और यंत्र जो है विस्की की बोतल है जो है,
ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान में हुआ कि हमारा शास्त्रार्थ की परंपरा खत्म हुई और जितनी भी मूर्खतापूर्ण अपरंपराएं थी जो मनुस्मृति बाद में लिखी गई, पाणिनी के बाद लिखी गई, और मनुस्मृति हमारा कभी हिस्सा नहीं थी, मनुस्मृति पाणिनी के बाद लिखी गई है, पाणिनी बद व्याकरण का इस्तेमाल हुआ है उसमें, बुद्ध को गाली है, तो वो हमारी अपरंपरा है, अपरंपरा को आगे बढ़ा दिया और परंपरा को पीछे कर दिया। तो आज हमको वो काशी की परंपरा देखनी है, हमें सनातन की परंपरा देखनी है जहाँ लोकतंत्र था, और उसमें जो है क्या किया अंग्रेजों ने, सबसे बड़ी लड़ाई जो है अंग्रेजों के समय जो लोकतंत्र खत्म हुआ उसको खतरे को आप समझिए कि हंगस्टन आया, हंगस्टन ने मालवीय जी को बुलाया और फिर बुद्धिजीवों को, उन्होंने कहा कि वाराणसी को बहुत अच्छा करना है, हम सोच रहे हैं कि नाला गंगा जी में गिरा दें, उन्होंने कहा गंगा जी थी उनके लिए, गंगा जी आज भी गंगा जी है ललित रघुवंशी नाम होने के बाद भी, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, हमने हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मालवीय जी ने मना किया था कि संसार को सुंदर करना है इसमें नाला गिरा दें, मालूम था अंग्रेजों को कि गंगा जी जब खत्म होंगी तो गंगा के किनारे बसी हुई वो बहुलतावादी वो जो है लोकतंत्र की परंपराएं भी खत्म होंगी। और आप जो आज शहरों के बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरह से हम शहरों को एक के बाद एक बसाए जा रहे हैं, किस तरह से मोहनजोदड़ो बसा नगर की सभ्यता, जिस तरह से गांव की हमारी अपनी सभ्यता थी, ग्राम सभाएं तो आ गई जो है, परंतु आज भी उसमें जो अपरंपरा हमारी जात की है वो लगी हुई है, और हमारे जो आदि शंकराचार्य के प्रमाणिक ग्रंथ में आखिरी ज्ञान शंकराचार्य को काशी में एक चांडाल से प्राप्त हुआ उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। कहने की जरूरत है कि ब्राह्मण हमारे लिए कभी दिक्कत नहीं थी, ब्राह्मण तो हमारे लिए कभी दिक्कत नहीं, ब्राह्मण बात हमारे लिए दिक्कत थी, हमारे लिए पुरुष बात दिक्कत थी, पुरुष कभी दिक्कत नहीं थी। अगर आप पुरुष से लड़ेंगे तो हो चुका जो है, एक नया चीज पैदा करेंगे। इसी तरह से हमको जो है सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत है कि आजादी की लड़ाई में जो धाराएं थी लोकतंत्र की, जो 1931 में जो कराची सम्मेलन हुआ जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसी से संविधान का स्प्रिट बना है। ये लोग इतने बड़े हुए हैं कि दलित लोग 1931 देखते हैं, और वो इसलिए हो रहा था कि 1925 में एक संगठन बन चुका था, 1931 में एक आदमी जो है एक और देश बनाने की बात कर चुका था, वो देश बन चुका था, और उसी समय पूना पैक्ट का भी आंदोलन हो चुका था, उस पर इतना असर हुआ कि जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति के लोग थे उन्होंने कराची में एक सम्मेलन किया जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। उसको पढ़ने की जरूरत है, वो किसी की धाती नहीं है 1947 से पहले, 1947 का पहले का कांग्रेस और आज का कांग्रेस में अंतर, उसमें सब शामिल थे, अडवाणी भी शामिल थे, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, उसमें जिन्ना भी शामिल थे, हर तरह के लोग शामिल थे। तो हमको 1931 समझने की बहुत जरूरत है। फिर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकार की चीजें आई, हम लोग कहते हैं धर्म निर्पेक्षता बाहर की चीज, धर्म निर्पेक्षता कभी बाहर की चीज नहीं है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चतुष्टय हम लोगों को बताए गए, और राष्ट्र की परिभाषा में यजुर्वेद ने कभी धर्म की बात नहीं की, यजुर्वेद जो है अगर यजुर्वेद से बड़े सनातनी और हिंदू है तो पता नहीं वो कौन हिटलर के हिंदू है, यही काशी जो है सवाल उठा रहा है कुछ लोगों से, इसलिए लोग काशी को कब्जा करने आए हैं, और काशी कब्जा होने वाली नहीं, क्योंकि काशी की परंपरा अब पहली बार फिर से खड़ी हो रही और वो उस परंपरा को ललकार रही है जिस पर सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 600 साल पहले कभी कहते थे हिंदू कह मई राम के आर कुलत तुरक कह रहे माना आपस में दो नगर मुंह में मरमन को न जाना एक चार में बुदा को बावन को सुधा, किसने मारा कबीर को, किसी ने हत्या की कबीर की, किसी ने कबीर की लिंचिंग की, कभी ने रैदास की किसी ने लिंचिंग की, सेन्नाई की, ये हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा तो शास्त्रार्थ की परंपरा है, हम शास्त्रार्थ करते हैं, हमारे धर्म का तालिबानीकरण किया जा रहा है, हमारी परंपरा का तालिबानीकरण किया जा रहा है, हमारे परंपरा का अलगीकरण किया जा रहा है, हमारी परंपरा का हिटलरवादीकरण किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए अपने वेद पढ़े, अपने उपनिषद पढ़े, अपना इतिहास पढ़े, अपनी चीजें और परंपराओं में जो अच्छी चीजें हैं उनको बचाने की भी लड़ाई लड़े, कजरी जनमेला और इस तरह की। दूसरी चीज मैं कहने की कोशिश करूंगा, अकबर, अकबर क्या था, अकबर ने जलिया करके ऊपर को लगा दिया, जोधाबाई को तो उसने मुसलमान बनाया नहीं, जोधाबाई के बच्चे अगले मुगल राज्य हुए, तो मेरे लिए वो था कि अच्छा आधा क्षत्रियों का खून आधा मुगलों का,
अब अगर या तो आपके खून में गड़बड़ हो या तो आपके खून में गड़बड़ है या तो कोई चीजों में गड़बड़ है, उसमें जो है जब हटाया जजिया कर मौलाना लोग आए तो कहा किसका राज चलाते, एक प्रसंग है अकबरनामा हम लोग पढ़ते नहीं, तो अकबरनामा में अकबर से पूछते हैं किसका राज चलाते हैं, तो अकबर लोगों ने कहा अल्लाह का, अल्लाह का राज पूरी दुनिया का राज, ये जलालुद्दीन का राज है और जलालुद्दीन के राज में आपको चलाने की जरूरत नहीं, और उन्होंने बीरबल टोडरबल और सबको जो है अपने उसमें रखा और पहला धर्मनिरपेक्ष राज अकबर ने बनाया, इसलिए अकबर जलालुद्दीन से अकबर और वो अकबर की उपाधि हिंदुओं ने और जोधाबाई ने उनको जो है। अशोक ने पहला कल्याणकारी राज्य स्टार्ट किया, वेलफेयर स्टेट स्टार्ट किया और कल्याण करने की बहुत सी परंपराएं सनातन में और हमारी संस्कृति में रही है। तो हमें दो चीजें आखिर में कहनी है कि भारत का संविधान कोई बाहर से आया हुआ संविधान नहीं है, ये आयुर्वेद में राष्ट्र की परिभाषा का संविधान है, ये जो है हमारे शास्त्रार्थ का संविधान है, हमारी आजादी की लड़ाई का संविधान है, और वो लोग जो आजादी की लड़ाई में कभी नहीं लड़े, हम 1857 के गदर में हमारे घर में 3 लोग फांसी चढ़ाए, हमारे सगे चाचा पाकिस्तान युद्ध में मारे, हम जानते हैं कि जो है मतलब सेक्रीफाइस करना क्या क्या होता है, हमारे बाबा के भाई जो अपना पैर खोए चीन के युद्ध में, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, और उस परंपरा में ये समझने की जरूरत है कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े आज वो देश बेचने के लिए, शहर बनाने के लिए, नौदारवाद को गुलाम बनाने के लिए, मुट्ठी भर भारतीयों ने दोस्तों मुट्ठी भर भारतीयों ने हिंदुस्तान को जो है अंग्रेजों के हाथ में दिया था, और अब फिर मुट्ठी भर भारतीय हिटलर की आत्मा को लेकर सनातन को खत्म करके, हमारे संविधान की आत्मा को खत्म करके, हमारी परंपरा को खत्म करके जो है इस लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाते हुए ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को कायर भी था, चारवाक भी था, जो है ब्राह्मणों ने जो है मतलब खुद लड़ाई लड़ी है जात व्यवस्था के खिलाफ, जो है ये बात नहीं बता करके वो पूरी बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, संविधान को लागू करने की कोशिश करें, हम अपनी चीजों को फिर से पढ़ें, उस पर गर्व करना सीखें। गढ़ की परंपरा थी, गढ़ों की परंपरा ऐसी नहीं थी, महात्म जो चुने जाते थे, जो है अलग बात है कि जो है अगर आप ब्राह्मण की परिभाषा पढ़ लेंगे वेद में तो आपको आश्चर्य लगेगा ब्राह्मण होना इतना आसान काम नहीं है। मैं इसलिए इसके बार बार कह रहा हूं कि जात बात के खिलाफ लड़ाई लड़े पर ऊंची जात के खिलाफ नहीं, ब्राह्मण बात के खिलाफ लड़ाई लड़े पर ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, पुरुष बात के खिलाफ लड़ाई लड़े पुरुष के खिलाफ। धन्यवाद।